गई आपके विजिलेंस नहीं आने के कारण बिजली की सुविधा हो गई। जोधपुर के ओसिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेना ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई है। कोई कहता है ओसिया की सभाओं में के शादी कर लो, शेरनी भूखी है, राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूँ, महिपाल मदेना की बेटी हूँ, शेरों की बेटी शेरनियाई होंगी। कभी दिव्या के भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं तो कभी बल्लेबाजी करने का वीडियो। पिछले दिनों कांग्रेस प्रत्याशी दिव्या टेलरिंग की दुकान में हाथ आजमाती नजर आई थी। इस दिव्या चाय की दुकान पर चाय बनाती नजर आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिव्या ने अपने एक्स हैंडल पर भी ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिव्या अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाती नजर आ रही है। वीडियो के साथ दिव्या मदेना ने कैप्शन दिया, ओसिया का मतदाता कड़क, ओसिया का नेता कड़क, ओसिया की चाय भी कड़क। बढ़ रही सर्दी के बीच ओसिया की जनता के साथ चाय की चुस्की। पिछले दिनों दिव्या टेलरिंग की दुकान में हाथ आजमाती नजर आ रही थी, तब दिव्या ने ऑटोमेटिक सिलाई पर ना सिर्फ हाथ आजमाए थे बल्कि एक पूरा शर्ट बनाती हुई नजर आई थी। बता दें कि इससे पहले भी दिव्या की कई वीडियो चुनाव प्रचार के दौरान वायरल हो चुकी है। एक वीडियो में वो बल्ला भांजते हुए नजर आ रही है। दिव्या मदेना के बल्ले में 103 नॉट आउट लिखा है। दिव्या मदेना ने कैप्शन में दिया, नाबाद शतक, जिंदाबाद ओसिया। हर 18 दिन पर ओसिया की जनता को एक पीली टंकी दी है। 5 साल के कार्यकाल में 103 पानी की टंकियों का नाबाद शतक लगाया है और वादा करती हूँ कि दूसरे कार्यकाल में दूसरा शतक और तीसरा शतक भी लगाऊंगी। दिव्या मदेना इस समय ओसिया में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रही है। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमे वो कपास के खेत में नजर आई थी। एक दिन में कितना कट्टा भरो? पहले कम खेत बाते थे, अब ज्यादा बाते हो। पहले 30-35 बीघा बाते थे और उधर जाते ना उस तरफ तो वहाँ तो फिर मूंगफली करी भी है सबके खेतों में, मूंगफली निकाली भी हमके, मूंगफली का भाव भी बैठे बढ़िया है 70 करीब आए। बता दें कि ओसिया विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले 2018 में भी ओसिया से दिव्या मदेना जीत कर विधायक बनी थी। इस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी ने भेराराम चौधरी को टिकट दिया है। दिव्या मदेना को राजनीति दादा परसराम मदेना से विरासत में मिली है। दिव्या मदेना पूर्व मंत्री महिपाल मदेना की बेटी है। एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े ओसियाली लड़ाई रे, चलो आपा भी दे बिरा साथ रे।